अरे भूल में ऐसो सोए गयो धन खोए दयो तेने अपने हाथ। भूल में ऐसो सोए गयो धन खोए दयो तेने सोए रहो चोरन की नंगरी सोए रहो ए सोई रहो चोरन की नंगरी सोए रहो सिराने धरी धन की गटरी सिराने गठरिया चुरवा ले गयो पता ही नहीं लगो। अरे गठरिया चुरवा ले गयो धन खोए दयो तेने अपने हाथ। ऐसो सोए गयो धन खोए दयो तेने अपने हाथ। भूल में ऐसो गठरिया जीवन की तेरी गठरिया एक कीमती दौलत की अढेरी कीमती दौलत की अढेरी कीमती धन खोए दया तेने अपने हाथ। भूल 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 में ऐसा सोए गयो धन खोए दया तेने अपने हाथ। भूल में ऐसा सोए गयो अगर तू सतसंगत कर तो अगर तू सतसंगत कर तो अगर तू भूल में काये को पड़ तो भूल में काये को पड़ तो भूल में हाथ गुरवन के बिक गयो धन खोए दया तेने अपने हाथ। हाथ गुरवन के धन खोए दया तेने अपने हाथ। धन खोए दया तेने अपने अगर वास्तव में हम सत्संग में जाते रहते संत महात्मा जगाते रहते तो ये हमारा धन नहीं जाता। शरण तू सदगुरु की जाकर शरण तू सदगुरु की जाकर शरण तू मिटाय ले चौरासी चक्कर मिटाय ले चौरासी चक्कर मिटाय ले समय तो अमोल मिली गो
धन खोए दैने अपने हाथ हमें तो अमोला मिल गो भूल में ऐसा सोए गयो धन खोए दैने अपने हाथ भूल में ऐसा इसलिए मेरे बहन भाइयों वास्तव में ये अज्ञान की नींद भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृत संयमे इस मोह रूपी रात्रि में सभी संसार के लोग सो रहे हैं। इसलिए डर भय चिंता शोक टेंशन पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। कितनी माताएं आकर के पूछती हैं बाबा हमारो हाथ देख लियो हमारो आगे जीवन कैसा रहेगा। अच्छा अब कैसा है अगर अब बढ़िया है तो आगे भी अरे कल की चिंता क्यों करते हो आज की चिंता करो वर्तमान की चिंता करो। और मैं एक बात बताऊं किसी के सामने हाथ तो दिखाना ही नहीं चाहिए हाथ में क्या रखा है। और चलो ठीक है बाई चांस हमारो काल हो 8 दिनों में और कोई मंत्र कह जाए कि 8 दिन आप मत जाओ तो तुम आज तो ही मर गए समझ लियो तुम 7 दिन हूँ फिर तुम्हारे बहुत कर्रे कटेंगे न नींद आवेगी न भूख लगेगी और जो समझ लो आज तो ही मर गए ताते। इसलिए कल की तो किसी से पूछो ही मत कि कल क्या होगा जब आज बढ़िया हो रहा है तो फिर हमारा कल भी बढ़िया होगा निश्चिंत रहो सज्जनों। वास्तव में ये हमारे अज्ञान के ही भ्रम है सारे के सारे ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव ये सब कुछ कितनी माताएं बिचारी कि जिन पे खोर है इन पे भूत है ये प्रेत है ऐसा ये कुछ भी नहीं होता है ये सब ये अज्ञान की नींद का ही खेल है। इसलिए सदगुरु कहते हैं गठरिया जीवन की तेरी कीमती दौलत की ढेरी अरे भूल में धोखो है गो धन खोए दो तेने अपने हाथ। अच्छा जो कछु ऐसे लोग हैं वो हमारे चित्त में भ्रम पैदा कर देते हैं। कोई एक साधु महात्मा आए गए पाखंडी रूढ़ीवादी और उनके सामने 4-6-10 माताएं बैठ गई बाबा मेरे हाथ देखियो बाबा ने कहा जा बहु को हाथ देखियो बाबा ने कहा जा को हाथ देखियो और बाने कऊ पे शनिचर बताए दो और कऊ पे बाने देवता बताए दो कऊ पे अवत बताए दो कऊ पे प्रेत बताए दो। अब ये सब के सब लोग संशय में डालते हैं। एक महात्मा कहते रहते हैं एक वो भगत जी हती ऐसे ही घर की छान टूट गई और श्यान पथ में दौड़ते रहते हैं जहाँ जा वहाँ जा कोई आए और चलो बाबा ने बहु देखे यो माई है बहुन पे ज्यादा भूत प्रेत आते हैं युवा अवस्था में बड़ी बूढ़ी ने कहू के भैया 70-80 साल को बुढ़िया हो अम्मा तेने भूत देखो का ए भैया हम पे दिखा लेगा भूत। सज्जनों ये कुछ भीतर का जोश होता है वो उनकी भूल भी नहीं है उनकी भूल नहीं है वो बेचारी समझ नहीं पाती इस बात को कुछ तो ऐसी बात है और कुछ जानबूझ करके ऐसा ड्रामा कर देती हैं। तो जैसे ही और वो बेचारी भक्तमती कहा करती थी जा छाने छाए दो झोंपड़ी छाए दो मैं भोजन बनाती हूँ झेंट पका तो सीधो सीधो और वो कहते हाँ ला कल देख लेंगे हाँ ला परसों देख लेंगे ला देख लेंगे कल देख लेंगे ऐसे टालम टूला। और ये ध्यान रखो जो कल पर हमने टाल दिया वो काम होगा नहीं कभी। सदगुरु तो कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब और पल में परल हो गई तो बहुर करोगे। इसलिए अपने काम को कर लेना चाहिए जो करने लायक काम हो उसको कर लेना चाहिए। एक दिन बिचारी ने सब सामान ला करके रख दिया जेवरी या सियो फूस फर्रो जो झोपड़ी में लगता है वो सब ला करके रख दिया और तब तक एक बुढ़िया मैया आ गई ए भगत जी ने कहा मई बहुए देख लियो
उठाए डंडा, फिर चंदे भगत जी बहु भारी गुस्सा आई के महीनन ते जाते वैसे बके रही हूँ। और जैसे तैसे ध्यान में हूँ आई, सामान भी इकट्ठा कर दिया और फिर चल दिया। तो आगे आगे भगत जी और पीछे पीछे से वो देवी, और बाने जा कर के वहाँ साज बाज सजाए दो पूरो को पूरो, थान लगवाए दो खूब अग्यारी शुरू कर दई, और मंत्र पढ़ रहो के जल बांधू जलहर बांधू बांधू जल की काई, पीपरा के देवता बांधू हनुमान की धुआई, धरती बांधू आकाश बांधू बांधू पौना नीर, और पीपरा के देवता बांधू बांधू तकिया के पीर चल छू। बाने पीछे थे उतार के चप्पल पांच चार दईबा के मुड़े ते छाती में आगे लगा दे ते में, वह टटिया में तो दो टाके नहीं लग रही, महीनन ते भी चिल्ला रही हूँ। और जय धत्ती है बांधे रहो है, आसमान है बांध रहो है, पानी है बांध रहो है, पवन है बांध रहो है, खजू रह गो तो बहते बांध रहे। सज्जन वास्तव में ही ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारे मन के भ्रम है, यही तो अज्ञान की नींद है। सदगुरु कहते हैं भूल में ऐसा सोए गए हो, रंग राजा बने नृप भिखारी, सपने होए भिखार नृप रंग नागपति होए, और जागे हान ने लाभ कछु जिम प्रपंच जेई जोय। सज्जनो जैसे हम सपना देखते हैं और जागने पर कुछ नहीं रहता है, ऐ सपना देख रहे थे चोर आए गए आग लग गई बाढ़ आई गई और भड़बड़ा रहे हैं भारी, और जब आंखें खुली तो देखा तो कुछ नहीं, आए भैया बच गए। इसी तरीका से जो भाई बहन इस ज्ञान के क्षेत्र में जागृत हो जाते हैं उनके लिए भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव बमानी ये कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कर्म प्रधान है, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता है, ये अपना अपने कर्मों का खेल है। कहते हैं अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो तेरे सिर पर दुखड़ों का साया न होता, न भरता तू जमाने में कभी भूखा अगर दूसरों को खिलाया जो होता, न होता कभी तू अपने घर से बेघर घर दूसरों का बसाया जो होता। इसलिए मेरे बहन भाइयों एक महात्मा भजन गाते हैं बढ़िया के भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों हम इतना अपने प्रेम का व्यवहार क्यों, जहां कहीं भी किसी प्रकार का भय किसी प्रकार की टेंशन किसी प्रकार की चिंता किसी प्रकार का दुख हमारे पर आता है तो निश्चिंत रूप से कहीं ना कहीं वो हमारी भूल का ही परिणाम होता है। और तो क्या, तुम्हें अगर बुखार भी आया है शरीर में तो कहीं ना कहीं तुम चूक गए अपने खाने में पीने में आहार में विहार में। ऐसा नहीं है कि किसी भगवान भगवती ने ऐसा कर दिया हो या किसी ईश्वर परमात्मा ने, और फिर तुम हाथ जोड़ ले हो तो वो तुम पर कुश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, किसी प्रकार का भय है चिंता है टेंशन है वो कहीं ना कहीं हमारी भूल है, अन्यथा हम समस्त प्राणियों के साथ में एक खुला व्यवहार करते हैं बढ़िया अच्छा। क्यों कि सब चाहे तो हमें ऐसे रूप से मान लें, अगर हम कोई भाई मानते हैं ऐसा कि चलो ये परमात्मा ने सबको बनाया है तो ऐसे ही मान लो, चलो ये एक बाप के बेटा है सब और चार बेटा है तो चार बेटन में कोई 19 होता है कोई 20 होता है कोई 21 होता है कोई 22 होता है, क्या फर्क पड़ता है तो एक ही। या फिर ऐसे मान लो कि इस प्रकृति ने ही सबको शरीर दिए हैं, ये तो प्रकृति सबके लिए, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं तो पेड़ सबको छाया देता है,
किसी नदी के किनारे पर हम पहुंच जाते हैं तो बढ़िया, हमें शीतलता मिलती है, जल भी मिलता है। नदी कभी किसी से दोहरा व्यवहार नहीं करती है, पेड़ किसी से दोहरा व्यवहार नहीं करते हैं। पेड़ अगर देते हैं तो सबको छाया देते हैं, सबको फल देते हैं। नदी अगर देती है तो सबको पानी देती है, और सूर्य सबको धूप देता है। ये हवाएं ये सब के लिए समान हैं, बिल्कुल बराबर। हवा में कोई भेदभाव तो नहीं है, और हवा तो तुम ये भी नहीं कह सकते हो, अगर कहीं गंदी चीज से गुजर करके आ रही है तो वो बाहु तुम पर छोड़ गई, क्योंकि उसका तो काम है। अगर खुशबू आ गई तो खुशबू तुम पर छोड़ गई, और अगर गंदगी आई तो गंदगी को छोड़ गई, क्योंकि हवा में ये भेदभाव नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर सुगंधी छोड़ जाए और एक व्यक्ति के ऊपर गंदगी छोड़ जाए। सूर्य में ये भेदभाव नहीं है कि एक व्यक्ति को धूप दे और एक को छाया दे। ये धरती में कोई भेदभाव नहीं है सज्जनों, नदियों में कोई भेदभाव नहीं है, वृक्षों में कोई भेदभाव नहीं है। औषधि सबके लिए एक है, पानी सबके लिए एक है, तो फिर हम सब क्यों नहीं एक स्थिति में ठीक तरीका से समझ लें। चलो कोई नहीं जानता है उसका विषय अलग है, लेकिन जो जानते हैं, जो सत्संगी हैं, उन्हें तो समझ ही लेना चाहिए। तो फिर काय की भय रहेगी, काय की चिंता रहेगी, काय की टेंशन रहेगी, क्यों नींद हराम होगी हमारी? सज्जनों, कहीं ना कहीं हमारा दुर्व्यवहार जब हो जाता है तब फिर हमारी नींद गायब हो जाती है, फिर तमाम प्रकार के भय तैयार हो जाते हैं, तमाम प्रकार की संशय हो जाती हैं, तमाम प्रकार के फिर चित्र नजर आते हैं हमको। ये क्या है? ये है अज्ञान की नींद, ये है सुपन की नींद, इसी को सपना कहते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूरे न हो। ये संसार में चाहे कोई बड़े से बड़े गुरु के पास में चला जाए सज्जनों, लेकिन जब तक वास्तविकता में वो जागृत नहीं हुआ है, तब तक उसका दुख और संदेह समाप्त नहीं होगा। इसलिए दुनिया की क्रिया है, दुनिया के काम है, ये सब इसी तरीका से होते रहेंगे। और जे निसंत बात है, तुम अगर सत्य के रास्ता पर चलोगे तो धीरे धीरे, ये हमारे जीवन का अनुभव है, आपके सारे के सारे काम जो होने चाहिए, ये नहीं कि सड़क के तारे ने हम टोल लें, पर जो होने चाहिए, जिनकी तुम्हें आवश्यकता है वो तुम्हारे जरूर होंगे, उनको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। सत्यमेव जयते, जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं उनकी विजय होती है। और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, और कोई सत्य नहीं है। सत्यमेवा स्वरे लोको, सत्य धर्मा सदा सर्ता। सत्य के आधार से सारे धर्म हैं, सत्य के आधार से सारे ज्ञान हैं, सत्य के आधार से ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है, सत्य के आधार से हम और आप सब अपना जीवन जी रहे हैं। और जब सत्य के पथ से हम अलग हट जाते हैं सज्जनों, तब हमारे जीवन में फिर दुख के पहाड़ आ जाते हैं, फिर हम घबराते हैं, हे भगवान तेने ये क्या कर दिया। अरे भगवान पर कोई ठेका थोड़ा ही है, भगवान काहे को करे हो? भगवान ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोच लेना कि भगवान ने एक आदमी बुद्धिमान बना दो और एक आदमी कमजोर बनाए दो, एक ताकतवर बनाए दो और एक कमजोर बनाए दो, तो फिर तो भगवान बड़ा अन्यायी है। वान एक है तो इतनी बुद्धि दे दी कि वो बैठो बैठो, और एक ही दिन में वो 10,000 कमा ले वान है, और एक बेचारो सवेरे से और शाम तक पल्लेदारी कर रहे हो, 2,200 ढाई से 500 से बड़ा भाई कर रहे थे मिले, तो जी भगवान ने ऐसा कहू करो एम? अब तुम कहो एक बाने गलती कर दई एक ने, तो बाने गलती कर दई तो फिर तुम भगवान है तो भाई माफ कर देते। भाई बड़े आदमी के जहां तो सब क्षमता होती है, और फिर अगर वास्तव में एक ने गलती कर दई 22,000 दे दई, एक ने अच्छा काम किया तो उसको अच्छा काम कर दिया, तो फिर भगवान ने कहा नेकी कर ली।
अरे बाग बिचाए को कर्म हो दस ही रुपया को तो भाई दस मिल गए, और भाई पचास को तो भाई पचास मिल गए, बाग को पांच सौ को तो भाई पांच सौ मिल गए, फिर बाम भगवान को लक्का गए हो है भाई, तैसी ताकि मंजूरी और तैसे ताकि दाम, फिर भगवान को काम तलब रहो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन में किसी भगवान और भगवती का कोई हाथ नहीं है। हम जागृत होकर के अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा और सब काम होंगे। अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को बढ़िया बना करके रखिए। और एक बात बताएं, कितने भाई लोग कहते हैं महाराज बेटी शादी के लिए है, पैसा नहीं है। और मैं कहता हूँ जिस दिन बेटी की भांवर पड़ेगी उस दिन तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से पैसे की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें हिम्मत मत हारिए, देखिए खेल। आज तक इस इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि बिना पैसा के किसी की बेटी घर में रह गई हो कुंवारी। अरे बेटी की बात क्यों करते हैं, बेटा भी नहीं रहता है। अगर रहेगा तो तुम्हारे चरित्रों के आधार से, फिर तुम पे चाहे भले ही कोठी बन रही हो तुम्हारी, चाहे भले ही तुम्हारे करोड़ों रुपया बैंक में जमा हो, अगर चरित्र सही नहीं है तो सज्जनों फिर बेटा की तो बात कौन कहता है, फिर बेटियों के संबंध भी करने पड़ जाते हैं। वो आदमी ठीक नहीं है, वो बिरादरी समाज में ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, हमें नहीं वो संबंध लेना है। और पैसा भी है, घर मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समाज उसको नहीं ओढ़ता है। तो सज्जनों अपने जीवन को बढ़िया बनाने की कोशिश करिए, अपने चरित्र और व्यवहार को बढ़िया अच्छी तरीका से संभालिए और आप शाम सवेरे बढ़िया ध्यान करिए। तुम्हारे भीतर में स्वतंत्रता का झंडा लहरा रहा है, तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम किसी के बदुआ नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो अपने आप में। आप बैठ करके देखिए तुम्हारे भीतर में ये अखंड सुमरन चल रहा है। ध्यान तो गुरु का ही किया जाता है, इसलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये चार एक ही सूत्र में ये चार भाव हैं। पहला ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करिए अपने गुरु का करिए। अच्छा आप सोच रहे होंगे तो ध्यान में हम का मांगे गुरु थे, नहीं मांगना मत है, मांगते तो बेकार ही हैं, मांगना कुछ मत है, बिना मांगे ये सब कुछ मिलेगा। आप तो सिर्फ ध्यान करिए। ध्यान कैसे करें, सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करिए कि हमारे गुरु ही सर्वोपर है। और कितनी देर, ज़्यादा देर नहीं, और वैसे तुम्हें छोड़ने भी नहीं पड़ेंगे, वो छूट जाएंगे। क्यों कि फिर तुम्हारे भीतर में जो तुम्हारा खास गुरु बैठा हुआ है, बाहर को गुरु तो फिर भी बाहर है, क्योंकि वो ध्यान करोगे तो तुम शरीर का ध्यान करोगे पाँच मिनट दस मिनट, और शरीर का ध्यान करोगे तो शरीर तो पे शरीर है। ऐ कहो के गुरु स्वापा बांधे बैठे हैं तो तुम बिन को ध्यान करोगे, कहो के गुरु चांद मुड़ाए के बैठे हैं तो तुम बिन को ध्यान करोगे, और कहो के गुरु नंगे हुआरे बैठे हैं तो बिन को ध्यान करोगे। हाँ कोई बात नहीं, मेरे बात पर लक्ष्य बना करके रखो। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप गुरु का ध्यान करिए और फिर वो ही ध्यान तुमको तुम्हारी उस अखंडता पर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर में जो श्वास चल रही है, श्वासा की सुमिरणी जो नाभि से लेकर के और सहस्त्र सार तक ये श्वास चल रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है और जा रही है, और तुम तो सिर्फ देखो, तुम उसमें बह मत जाना। और जिस वक्त तुम देखना शुरू कर दोगे
उसी समय तुम्हारे भीतर में मन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आप प्रैक्टिकल कर लेना, 2 मिनट में 5 मिनट में, कोई मन नाम की चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ तुम हो और उधर में तुम्हारी श्वास चल रही है। कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, सिर्फ ध्यान है। और ध्यान में कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है, चैतन्य में नहीं। क्रिया विषय है वो प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। क्योंकि अगर पुरुष में क्रिया होगी तब तो पुरुष की अखंडता खराब हो जाएगी। उसको तो हम कहते हैं परमात्मा अखंड है। हमारे भीतर में हमारी चेतना है वो अखंड है, अक्रिय है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो कभी मरने वाली नहीं है और मिटने वाली नहीं है। जब वो ही बोध हो जाता है तब तो कबीर कहते हैं जाई मरने से जग डरे, मेरे अति आनंद और कम मरियों कब पाइयों पूर्ण परमानंद। तो आप ध्यान करिए, और शायद आप ध्यान करोगे तो आपका अगर ध्यान 10 मिनट 15 मिनट अगर आप बैठे हैं तो आपको 10-15 मिनट में ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अब शांत होते चले जाए, ध्यान ठहर गया आपका। ध्यान में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। फिर गुरु की जो प्रतिमा थी वो पीछे रह गई, क्योंकि ऐसा कहा है गुकारो अंधकारस्य रूप तेजस्य उच्चते। जो गुरु का जो सब शरीर था वो बाहर था और जो गुरु का प्रकाश था वो भीतर था, तो अब जो गुरु का शरीर है वो पीछे रह गया, वो छूट गया, अब तो मात्र वो चेतना है, रू चैतन्य उच्चते। तो वो अब गुरु और शिष्य का भी भेद वहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं ऐसे कहा है कि सुरत सब देखो है गयो मेला, और नहीं वहाँ गुरु नहीं वहाँ चेला, और कहे प्रकाशानंद अकेला, अरे पीरों का सर पीर तू खुद मस्ती में मस्ताना, कपनी ने कहा फकीर तू मत मेरे से हाथ लगाना। फिर तू ही पीरों का पीर है, तू ही परमात्माओं का परमात्मा है, तू ही आत्माओं की आत्मा है। बाहर की सारी चीज़ें समाप्त हो गई और फिर बाहर और भीतर का भी ये भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों इसी कारण के लिए हम आए हैं, ये मानव शरीर मिला है तो इसी के लिए मिला है। आप इस तरीका से आप अपना भजन करोगे, आप थोड़ा ध्यान करोगे अपने आप में, तो समझ लो अगर ठीक नहीं समझ में आए तो फिर से गुरु से पूछ लेना, फिर से गुरु से पूछ लेना। और जे जो जो ये मैं ध्यान की परिभाषा बोल रहा हूँ वो चाहे कौन से भी मत के हों, कौन से भी मजहब के हो, अगर जहाँ ध्यान और साधना की बात आएगी तो फिर आपको इसी लाइन पर आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाइए, चाहे कल आ जाइए, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, तो फिर आप उस सत्य से बहुत दूर हैं। किसी भाई बहन करके इस विषय में कोई संदेह हो तो हम कभी भी बात कर सकते हैं कहीं पर भी, क्यों कि हमारी जो आत्मा है चैतन्य है वो अद्वैत है, द्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब होता है एक। तो हमारे सारे के सारे भास अध्यास कल्पना जब ये छूट जाते हैं तो बस हम अपने आप में ही, बस वो है आपकी स्वतंत्रता ही। आप स्वतंत्र हो, न आपको कोई इंद्री पकड़ सकती है, न आपको कोई मन पकड़ सकता है। और जब मन और इंद्री नहीं पकड़ेगी तो फिर आपको फिर बाहर की दुनिया कैसे पकड़ सकेगी। और वह साधन आज ही है, ये मानव का शरीर, ये मानव का शरीर सावन का महीना है, ये मानव का शरीर बारहमासी है। एक बारहमासी भजन गाते नहीं, बारहमासी को मतलब होता है भाई चाहे तब गाओ, हम 12 महीना होते हैं तब हम 12 महीने की बाहर आ जाती है। तो ये मानव शरीर ही ये बारहमासी है, ये 12 महीनाओं की बाहर है। जिस महीना में तुम हो उसी महीना का आनंद लो।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक समारा। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी आस्था के साथ अपने अस्तित्व को संभाल करके रखिए। आप अपने जीवन को हो समय बनाइए, भोजन में, खाने में, पीने में, आहार में, विहार में। जब कोई किसी प्रकार की अगर गड़बड़ होती है तो कहीं वो हमारी भूल है, इसलिए हम हमेशा जागृत होकर के जीवन जिए। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। हमने एक दो पदों के माध्यम से और ये निवेदन किया कि आप जागृत होकर के अपना होश के साथ जीवन जियो। जागो रे जिन जागना, जय जागने की बार, फिर कब जागो नानका तब सोवो पैर पसार। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम, जइयो बिराने देश हो रमैया राम। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज नज़दीक हो, कल्याण के समीप हो। सभी बहन भाइयों को अपने जीवन को ठीक, अच्छा, सुंदर बनाना चाहिए। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। हम धन्यवाद देते हैं, ये भैया, ये चंद्रपाल जी हैं, मुरैना से आते हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने इन वाणियों को बहुत दूर दूर तक पूरे देश में लोग सुनते हैं, जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं। और क्या नाम है इस चैनल का? ये अमृत ज्ञान के नाम से। और कहीं भी भाई कोई इस पर टच करेंगे और उसमें भजन, ये प्रवचन तमाम निकल करके चले आएंगे। ये अमृत ज्ञान के नाम से भी और अमृत साहेब जी धौलपुर वाले के भजन प्रवचन इससे भी। तो आप कभी भी भाई बहन अगर अपने घर पर भी और ऐसा मोबाइल है तो आप बैठ करके सो करके आराम से वहीं सुन सकते हैं, कुछ भजन है, प्रवचन है। तो संतों का यही भाव होता है, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारा तो काम है ही, लेकिन ये गृहस्थी जीवन में होते हुए भी और इतना बढ़िया ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इस वाणी को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास। तो सज्जनों, हम सभी भाई बहनों को इसी तरीका से सत्संग में जहाँ कहीं जाएं, बैठें और दूसरे लोगों से भी चर्चा करें, कभी समय बने इतवार को आएं, स्वयं आएं, दूसरों को भी लाएं, तो स्वयं जगेंगे और दूसरों को जगाएंगे। सदगुरु कहते हैं आप तरह और तारे, स्वयं अपना कल्याण करें, स्वयं अपन शांति का साधन बनाएं और दूसरों के लिए भी हम शांति का साधन बने। स्वयं हम अच्छा सुख शांति का जीवन जिए और दूसरों का भी यही संदेश दें कि आप भी सुख और शांति के साथ जीवन जिए। जब ऐसे आपके भाव और विचार होंगे, आपका काम स्वतः ठीक धीरे धीरे बनता चला जाएगा, आपका जीवन भी आनंदमय होगा। इन्हें शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सदगुरुदेव।